गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर हम लोग 15 कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर 15, बस दो टेस्ट और बचे हैं, 15 और 16, ये दो लास्ट हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 15 शुरू करते हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। और आप लोग रिवीजन करते रहें, टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन करते रहें। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ले लेना, ठीक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़िए, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक। तो क्वेश्चन से पता चल गया कि ये ADMM+ जो है वो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो बैठक है आसियान में, ठीक है। यानी आसियान के जो मेंबर कंट्री हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर की ये बैठक है, मीटिंग है। तो इसी के बारे में हम लोगों को बता देना कौन सा सही है कौन सा गलत है। आसियान तो समझता हूँ, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जो नेशंस आते हैं उनका एक ये ग्रुप है, ठीक है। और एशियन का हेडक्वार्टर बताएंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में, ठीक है। जकार्ता, जकार्ता कहाँ पर, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक। और इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, 10 मेंबर कंट्री है, याद रखना। तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जो हो रही है ये एनुअली होती है, ठीक है। एनुअली यानी वार्षिक होती है, बाई एनुअल नहीं होती है। अब डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो इसमें इसमें किस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे। इसमें सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन बनाने वाले काम होंगे, ठीक है। डिफेंस को कॉपरेशन में लाने के लिए बात की जाएगी, यानी डिफेंस कॉपरेशन की बात होगी, सिक्योरिटी को मजबूत बनाने वाली बात होगी, है ना। ये सब चीज़ें इसमें बैठक में रही होंगी, ठीक। ADMM का मतलब तो आप जाने, यानी एशियन डिफेंस मिनिस्टर। बाकी ये प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है यहाँ पर और भी कंट्री यहाँ पर डायलॉग पार्टनर है, 8 कंट्री डायलॉग पार्टनर हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है, डायलॉग पार्टनर कितनी है, 8 कंट्री हैं। आसियान में कितनी है वो तो आपको पता ही है, वो 10 है, ठीक है। तो आसियान में 10 कंट्री हैं और ADMM+ जो प्लस वर्जन है, प्लस में 8 डायलॉग पार्टनर भी हैं। ये हम लोग अभी देख ले रहे हैं कि 8 डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं। और इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया लोकेट नहीं करता है। और ये मीटिंग 2020 की जो होस्ट की है वो वियतनाम में की है, पहली चीज़, ठीक। नेक्स्ट मीटिंग जो होस्ट करेगा वो बोल नहीं करेगा। ये फिगर देखिए थोड़ा आप, ये आसियान में कितनी कंट्री हैं, 10 कंट्री हैं, आपने अभी जाना। और 10 कंट्री कौन कौन सी है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, वियतनाम है, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर है। यानी आप ये देख रहे हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, ठीक है। और इसमें इंडिया नहीं है, यानी इंडिया एशिया आसियान का मेंबर कंट्री नहीं है। और ये प्लस वर्जन जो था, प्लस में आपने देखा कि 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो डायलॉग पार्टनर हैं, और ये 8 ये वाली हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, रसिया। देखिए याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि प्लस वर्जन में ADMM+ जो है उसमें इंडिया मेंबर है, ठीक है, डायलॉग पार्टनर है इंडिया, इतना याद रखना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो इंडिया के बारे में पूछेगा। चलिए क्वेश्चन को करिए जल्दी से, पॉइंट नंबर पढ़िए, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। ये आपने देखा अभी कि ये एनुअल मीटिंग है, ना कि बाई एनुअल, द्विवार्षिक नहीं है, वार्षिक है। यानी ये पॉइंट गलत है, बी पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट, दो गलत ही बताना है, तो आंसर तो हम लोग को मिल गया, बाकी देख लीजिए। आसियान और इसके 8 संवाद, यानी आसियान मेंबर कंट्री जो 10 हैं और 8 डायलॉग पार्टनर के लिए एक मंच है, ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक। डी ऑप्शन, ADMM+ के वर्ष 2020 के संस्करण की मेजबानी वियतनाम द्वारा। अभी जो होस्ट किया है मीटिंग 2020 में, ये वियतनाम ने किया है, ठीक है। अगली जो मीटिंग होस्ट करेगा वो ब्रुनेई करेगा, ठीक। तो ये पॉइंट भी ठीक है, हम लोगों को गलत बताना था तो गलत बी है, ठीक। बाकी मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, SCO के बारे में बताना है, संघाई संयोग संगठन। इसके मेंबर कितने हैं जल्दी से बताएंगे, और हेडक्वार्टर कहाँ है। SCO देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आभासी प्रदर्शनी, यानी ये एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं, और जो वर्चुअली हुई थी, का कौन सा संस्करण अभी 2020 में आयोजित किया गया। बौद्धिस्ट हेरिटेज की जो अभी एग्जीबिशन हुई, ये फर्स्ट टाइम किया था SCO ने, ठीक है, फर्स्ट टाइम किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रथम संस्करण है, ठीक है, याद रखना। SCO की जो मेंबर कंट्री हैं वो अब 8 हैं, ठीक है, जिसमें से इंडिया और पाकिस्तान अभी लेटेस्ट में ही ऐड हुई हैं, ठीक है, उससे पहले 6 थी। तो ये कौन कौन सी हैं, दिख रहा ना, मैं जूम कर दूँ, देखिए, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 कंट्री SCO की हैं, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ हैं, हेडक्वार्टर बीजिंग में, ठीक है, हेडक्वार्टर बीजिंग में, चाइना में, ठीक, बस इतना सा जानना है इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वियर सीट टू एक चंद्र मिशन है, चंद्र मिशन यानी मून मिशन है, और ये अभी लॉन्च नहीं हो रहा है, ये 2024 तक लॉन्च करने की
कंट्री का टारगेट है। इसी को जेनेसिस स्पेस क्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जेनेसिस इस नाम से भी आ सकता है, जेनेसिस भी याद रखना, जेनेसिस स्पेस क्राफ्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। और इसराइल का है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसराइल का है मून मिशन। आगे बढ़ें, चलिए चौथा देखिए। डब्ल्यू एच ओ फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं अनिल सोनी जी, ठीक है। अनिल सोनी को CEO के रूप में नियुक्त किया गया WHO के, ठीक। WHO हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO काम क्या करता है? ग्लोबल लेवल पे जो हेल्थ इशूज़ हैं उनको एड्रेस करता है, ठीक है। पाँचवा देखिए, लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के संबंध में हम लोगों को बताना है। ये बॉन्ड समझते हैं ना, ये क्वेश्चन देखो सब पुराने क्वेश्चन हैं, यानी GS पेपर में हम लोग कर चुके हैं, GS की टेस्ट सीरीज में, वहाँ पे हम लोग ठीक ठाक मतलब ठीक से वहाँ पे डिस्कस किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, ठीक। तो ये जो बॉन्ड रिलीज किया गया वो 200 करोड़ का है, ठीक है, 200 करोड़। और पॉइंट नंबर वन में क्या लिखा है? 1000 करोड़, यानी ये पॉइंट गलत हो गया। दूसरे बॉन्ड में ये BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया, यानी लिस्ट किया गया। लिस्ट का मतलब होता है कि कंपनी कंपनी का शेयर मार्केट में आ जाना और फिर आप उसके शेयर सेल और बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर वन गलत है, पॉइंट नंबर दो सही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये समझते हैं ना, 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल में है? 243, ठीक है, 243, 243 के आगे बढ़ना, यानी मैं एग्जैक्ट 243 नहीं बता रहा हूँ, 243 के जो सब पार्ट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा। और कौन से पार्ट में है? पार्ट 9B में है, ठीक है, पार्ट 9A में है। पार्ट 9B में क्या है? पार्ट 9 इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, सहकारी समितियाँ। चलिए आगे चलिए, 6th क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल 2020 को लॉन्च किया गया, निम्नलिखित किस ऑयल रिफाइनरी के द्वारा निर्माण किया गया? ठीक है, ये तो हम लोग जान लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यूपी से है और यूपी में मथुरा रिफाइनरी जो है इसने निर्माण किया है इस पेट्रोल का, ठीक है, 100 ऑक्टेन पेट्रोल का। ये 100 ऑक्टेन का मतलब क्या है? अभी जो नॉर्मल पेट्रोल जो आप लोग खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं पेट्रोल पंप पर जाके गाड़ी में भरवाते हैं, वो 87 ऑक्टेन पेट्रोल है, ठीक है, 87, 89 ये सब वर्जन चलते हैं अभी, 91, 94, ठीक है, ये थोड़ा सा हाई ग्रेड में हो जाता है, ये नॉर्मल है, रेगुलर बेसिस वाला है। इससे और अच्छी क्वालिटी पर जाएंगे तो 99 पे जाएंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली HPCL ने इसको बनाया था, ठीक है, HPCL ने। और अभी जो क्वेश्चन है ये 100 के बारे में पूछ रहा है, 100 ऑक्टेन पेट्रोल, तो ये सबसे बेस्ट पेट्रोल है, यानी इसमें इंजन की स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। इंजन की स्टेबिलिटी से समझते हैं, इंजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉकिंग की, एक नॉकिंग, नॉकिंग यानी इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि चलाते समय गाड़ी को झटके नहीं लगते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते समय और बंद करते समय भी झटके नहीं लगते हैं, यानी इसको इंजीनियरिंग की भाषा में यदि बोलें तो नॉकिंग होने का मतलब है कि इंजन के अंदर कम्बशन ऑफ फ्यूल जो होता है, कम्बशन ऑफ फ्यूल ठीक से नहीं हो पाता, ठीक है, ठीक से नहीं हो पाता, तो नॉकिंग होती है। इस नॉकिंग को कम करने के लिए ये पेट्रोल यूज कर सकते हैं, ठीक है, इससे इंजन की स्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि नॉकिंग नहीं होगी इस पेट्रोल को यूज करने से, ठीक है। तो याद रखना इसका सी ऑप्शन सही है। सातवां देखिए, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ यहाँ पर। सातवां क्वेश्चन है पीएम वाणी स्कीम जो है, योजना है, उसके बारे में हम लोगों से पूछा है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, पीएम वाणी जो है वो वाईफाई को एक्सेस कराने वाली स्कीम है, वाईफाई को एक्सेस कराना है, कहाँ पर? हर जगह, यहाँ पर भी वाईफाई की सुविधा नहीं है। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ना, वहाँ पर मिल जाता है, आधे घंटे के लिए वाईफाई मिलता है हाई स्पीड वाला, तो ये सुविधा हर जगह रहे, सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही ना रहे, इस तरह का कुछ टारगेट है गवर्नमेंट का। अब जब डिजिटल इंडिया की मुहिम छेड़ी दी है तो फिर ये काम छूट ना जाए ना, इसके बिना तो डिजिटल इंडिया बेकार है। अब ये वाईफाई से रिलेटेड चीज़ है, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ है, तो ये काम किसका होगा? DOT का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो काम करती है। यानी यहाँ पे एक्सपेंशन किसका हो रहा? वाईफाई का। और पहले पॉइंट में पढ़िए, पहले पॉइंट में लिखा है इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार है। रेडियो का थोड़ी ना प्रचार कर रहे हैं भाई, रेडियो क्यों प्रचार करेंगे? रेडियो तो सभी के हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में रेडियो है, अपना सुने तो रेडियो तो वैसे भी अवेलेबल है सबके पास, ऐसे तो इंटरनेट भी अवेलेबल है, जब फ़ोन है तो इंटरनेट भी अवेलेबल है, पैक तो कराते ही हैं सब लोग, बट ये मोबाइल डेटा इंटरनेट की बात नहीं हो रही है, ये वाईफाई एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है।
तो पहला पॉइंट गलत हो गया रेडियो की वजह से। दूसरा पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इस योजना की नोडल एजेंसी है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। ये काम किस कंट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय के अंदर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 सही है केवल। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए आठवां देखिए, किस राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2020 को भारत और दक्षिण एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर रूफटॉप सौर ऊर्जा व्यापार की शुरुआत की? देखो, सौर ऊर्जा व्यापार की बात हो रही है, यहाँ पे दो तीन शब्द इंपॉर्टेंट हैं। ब्लॉकचेन का क्या मतलब है, पीयर टू पीयर का क्या मतलब है? ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी एनर्जी को भी बाय और सेल करने की। कितना सही कॉन्सेप्ट है, एनर्जी को भी आप बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाय और सेल कर सकते हैं, बाय और सेल वाली बात हो रही है, तभी यहाँ पे व्यापार शब्द लिखा है। ठीक है, रूफटॉप का मतलब समझते हैं, जो हम लोग छत पे लगा लेते हैं पैनल, सोलर पैनल जो लगाते हैं उसको रूफटॉप बोलते हैं। आजकल तो सरकारी बिल्डिंगों पे पूरा पूरा छत इसी के लिए अनडेडिकेटेड हो गए। और ये बायो सेल डिजिटली चलेगा। ठीक है, डिजिटली चलेगा। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? डिजिटली। अब डिजिटली होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये डिजिटल फॉर्म में अगर हो रहा है, तो यदि मान लो ये डेटा चोरी हो गया, लीकेज हो गया, जो भी इसके व्यापारी मेंबर होंगे उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह लीक हो गया, तब तो दूसरा इंसान यानी चोर वो तो आपका डेटा ले जाएगा। डेटा का मतलब एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, यानी एनर्जी को वो अपनी साइड डाइवर्ट कर लेगा या अपने पास स्टोर कर लेगा। तो ये सब बहुत दिक्कतें हैं। तो इसके लिए फिर क्या बनाया गया, यहाँ पर ब्लॉकचेन लिखा है। ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सीखा था, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है, यानी यहाँ पर आपका डेटा सेफ़ है, आपकी डिटेल्स सेफ हैं, आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनका लीकेज नहीं होगा। ठीक है, ब्लॉकचेन का ये मतलब होता है। पीयर टू पीयर का मतलब होता है यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है, सीधा पर्सन टू पर्सन बात हो रही है। ठीक है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, हम दूसरे इंसान को बेच रहे हैं, हमारे पास है, ए के पास है, हम बी को डायरेक्ट बेच दिए। ठीक है, यहाँ पे कोई तीसरा आदमी नहीं है, मीडिएटर नहीं है, बिचौलिया नहीं है जिसके माध्यम से हम एनर्जी की सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को भी पता होस्ट किसने किया, यूपी ने होस्ट किया था। और यूपी में कौन होस्ट करेगा? अबे ये किसकी बात है, यूपी पीसीएल ही करेगा ना, पावर कॉरपोरेशन। अब बिजली वाला मामला है तो यूपी पीसीएल ही देखेगा। तो यूपी आपको याद रखना है शुरुआत की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी से भी इसलिए। चलिए नामा देखिए, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मेगा लेदर पार्क इस्टेब्लिश हो रहा है कानपुर में। लेकिन यहाँ पे यूपी वाली बात है तो आपको कानपुर में किस जगह हो रहा है ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि वो कानपुर नहीं पूछेगा, यूपी पीसीएस कानपुर देने वाला नहीं ऑप्शन, वो जिस उसी जगह के नाम देने वाले हैं, तो ऐसे चार नाम दे देगा। तो इस नाम का आपको याद रखना है, रमईपुर गाँव का है। ठीक है, रमईपुर विलेज है। ठीक है, इस जगह का आपको नाम याद रखना है, ये है कानपुर में। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे चलिए, दसवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, इंग्लिश में पढ़िए, ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा है। जल्दी से यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, ग्रीन हाईवेज का मतलब है कि अब सेफ हाईवेज बनेंगे, ग्रीन हाईवेज बनेंगे, रेजिलिएंट हाईवेज बनेंगे। रोड को बनाने के लिए, हाईवेज को बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज की जाएंगी। ऐसा कुछ काम नहीं किया जाएगा जिससे क्लाइमेट को नुकसान हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। और इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है, जो हेल्प कर रहा है, हेल्प का सीधा बोलिए हम लोग कि हम लोग कर्जा किससे लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से लिए हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है, कितने रुपए की, $500 मिलियन की। $500 मिलियन का मतलब होता है मिलियन से करोड़ में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो को उड़ा दिया करो, यानी 10 से भाग कर दिया करो तो 50 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, $50 करोड़, इतने रुपये की हेल्प की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का जब भी नाम लेते हैं हम लोग खासतौर से लोन के बारे में, तो किसका नाम आ जाता है, IBRD। मेन काम तो यही देखते हैं ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक चीज़ तो है नहीं, इसके 5 बड़े बड़े ऑर्गन हैं, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे IBRD हुआ, एक IDU हुआ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC है, एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, MIGA है, ICCID है, ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मेन ऑर्गन है इसके वो तो आप जानते हैं, IBRD और IDA, IBRD और IDA। पहला पॉइंट पढ़िए, इसके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर IMF लिख रहे हैं, IMF के द्वारा ये पैसा दिया गया। नहीं भाई, IMF के द्वारा नहीं,
वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया, तो यहाँ भी गलत हो गया और पैसे भी इन्होंने गलत लिखे हैं। यहाँ पे 1,000 मिलियन डॉलर नहीं, 500 मिलियन डॉलर की बात है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये तो दो जगह से गलत हो गया। पॉइंट नंबर दो पढ़िए, यह प्रोजेक्ट केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में एग्जीक्यूट की जाएगी। यहाँ तक ठीक है, राजस्थान भी सही, हिमाचल प्रदेश भी, आंध्र प्रदेश भी ठीक है। इसमें एक राज्य और ऐड कर लीजिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कैसे छोड़ दोगे, इतना बड़ा हाईवेज़ का नेटवर्क बिछाया हुआ है। तो यहाँ पे केवल जो लिखा था ना, केवल गलत है। यहाँ पे 4 स्टेट हैं, पहले राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बाद में और एक्सपेंशन हो जाएगा, और स्टेट में एक्सटेंड हो जाएगा, अभी फ़िलहाल इतने में हो रहा है। तो पॉइंट नंबर दो भी गलत है, यानी इसके दोनों गलत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए, 2020 के लिए प्रेस्टिजियस अंतर्राष्ट्रीय राजा, अंतर्राष्ट्रीय राजा राजा भूमि बोल विश्व, अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसे दिया गया था। देखिए पहले तो ये वर्ल्ड सॉइल डे जो होता है, वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस जो होता है, वो कब होता है, 5 दिसंबर को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। और ये जो प्राइज़ दिया जाता है, भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जो है, वो FAO के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है ना, रोम में, इटली में। तो ये पुरस्कार अवार्डी जो हैं, यानी मिला किसको है, AICR को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ें, 12 देखिए, 12 में देखिए, स्पार्क के बारे में बताना है। स्पार्क प्रोजेक्ट जो है, इसका क्या मतलब है, इसका पहले फुल फॉर्म देखिए, स्पार्क यानी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च, यानी आपको शब्दों से क्लियर समझ में आ रहा है, ये एकेडमिक और रिसर्च से रिलेटेड कुछ यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे एकेडमिक की बात हो रही है, यानी यहाँ पे शिक्षा और रिसर्च की बात हो रही है, तो ये ऑब्वियसली किसका, ये किसका होगा, ये शिक्षा मंत्रालय का वर्क होगा, स्कीम होगी। और इसमें होना क्या है, यहाँ से पता चल रहा है, इम्प्रूव करना है रिसर्च को, एकेडमिक्स को इम्प्रूव करना है, रिसर्च का इकोसिस्टम बनाना है। अभी रिसर्च कहाँ करते हैं लोग, इवन जो PhD भी करते हैं, या फिर MTech करते हैं, या फिर PG, या PG की कोई भी डिग्री करते हैं जिसमें रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो रिसर्च से थोड़ा सा भागते हैं, और जो थीसिस बनती है वो सब कॉपी पेस्ट चला के ऐसे काम करते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं वो रिसर्च की तरफ थोड़ा सा उनका झुकाव ज़रूर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो रिसर्च को इंटरेस्टिंग बनाओ, तभी तो इंटरेस्ट लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए IISc बेंगलुरु ने क्या काम किया, फिर और किस कौन से इंस्टीट्यूट ने काम किया, डमरू वाला, डमरू आकार का जो जालक विकसित किया, इंग्लिश में देख लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो तो, जालक यानी यहाँ पे क्या लिखा, लेटेस्ट, ठीक है, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में वृहद अनुप्रयोग का दर्शाता है, यानी ये एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, वाइब्रेशन से रिलेटेड है, वाइब्रेशन आइसोलेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब सिंपल से जान लीजिए कि देखिए आप लोग जानते हैं, हैवी मशीन जो होती हैं, मेगा मशीन जो होती हैं, वो जैसे स्टार्ट होती हैं उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, मशीन है तो वाइब्रेशन होगा, ये सिंपल सा लॉजिक है मैकेनिकल का। जैसे आप बस में बैठते हैं, सफ़र करते हैं, क्लियरली वाइब्रेशन समझ में आते हैं, ट्रक में बैठिए क्लियरली वाइब्रेशन समझ में आते हैं, ट्रैक्टर पर बैठिए, लेकिन 30 लाख वाली गाड़ी में बैठिए, 4 पहिया, 4 व्हीलर में, और जो 4x4 भी हो, उसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा, बिल्कुल माइन्यूट से होंगे, तभी तो वो 30 लाख का है। मतलब मैं एग्जांपल बस इसलिए दे रहा हूँ ताकि वाइब्रेशन का थोड़ा सा आप लोग समझ सकें। और ऊपर जाएंगे BMW, मर्सिडीज़ और रोल्स रॉयस में बैठेंगे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ बैठे हैं, लगेगा हम मक्खन पर बैठे हैं, मतलब इतना तगड़ा वहाँ पर वाइब्रेशन आइसोलेशन पर काम होता है उन गाड़ियों में, कंपनी करती हैं। तो बस यहाँ पर फंडा बस यही है कि वाइब्रेशन आइसोलेशन कम से कम हो किसी भी मशीन में, इसको कम करने के लिए इन्होंने एक लेटेस्ट बनाया है। किसने बनाया, AISc बेंगलोर ने नहीं बनाया, ये IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने बनाया है, ठीक है, जो रिसर्च स्टूडेंट होते हैं PhD वाले, उन्होंने इस डिवाइस को बनाया है डमरू आकार का। बस आप जान लीजिए कि एक डिवाइस है डमरू आकार की बनाई है, जो वाइब्रेशन को कम करेगी किसी मशीन में लगा देंगे तो बस, और हम लोगों को इंजीनियरिंग नहीं करनी है इसमें, ठीक है। तो आपको पता है ITs जो हैं वो किससे गवर्न होते हैं, MHRD से गवर्न होते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से गवर्न होते हैं, तो पहला पॉइंट ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे IISc की वजह से गलत हो गया, बाकी ठीक है, ठीक है, बाकी मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है तो IISc की वजह से गलत हो गया, केवल पॉइंट वन सही है, ठीक है, IISc की जगह IIT खड़गपुर याद रखना, ठीक है। और ये सब काम किसके तहत हुआ, इस स्कीम के तहत, स्पार्क प्रोजेक्ट के तहत। चलिए आगे देखिए, 13 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, CCPI पढ़ते हैं, ठीक है। CCPI 2021 में रैंकिंग क्या रही है, एक CCPI भी पढ़ा था हम लोगों ने, एक EPI भी पढ़ा था, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें अलग अलग रैंकिंग होती है, इसमें बहुत पीछे रैंकिंग है, तो इसमें बहुत अच्छी रैंकिंग दिख रही है, इसमें रैंकिंग जो है वो 10वीं है। तो इतना इसका कारण क्या है, मतलब इसमें मेंबर कंट्रीज, मतलब ये जो इंडेक्स बनाया जाता है वो कम कंट्रियों को लेके बनाया जाता है, या फिर इसका और कोई वजह है। इसकी वजह हम लोगों ने जाना था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, पिछले का मतलब पहले टेस्ट में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसका रैंकिंग जो है CCPI में 2021 में 10वीं है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करते हैं, जर्मन वॉच करता है, ठीक। जर्मन वॉच पढ़ते रहते होंगे, दो तीन इंस्टीट्यूट हैं जो करते हैं, जर्मन वॉच करती है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट करती है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और तीसरा इंस्टीट्यूट है CAN बोलते हैं जिसे, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो जर्मन वॉच का नाम याद रखना, अगर ये दो रह जाएँ तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए 14 देखिए, संकल्प प्रोग्राम जो है इसके बारे में इन्होंने पूछा है, संकल्प क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में है ना, आप लोग कोशिश किया कीजिए, खासतौर से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कि इनका फुल फॉर्म एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद रहे। फुल फॉर्म से पता चल जाता है कि चर्चा इसमें किस बात की होने वाली है। अगर फुल फॉर्म याद नहीं रखें फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, फिर आँख बंद करके रटने वाली बात होगी, तो वैसे नहीं करना है। फुल फॉर्म याद रखेंगे तो ये मेंस एग्जामिनेशन में भी तो काम आएगा ना। अब समस्या ये है कि इसके फुल फॉर्म इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में एब्रीविएशन बनाया नहीं जा सकता, तो ये फिर थोड़ा सा हिंदी माध्यम साइड में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर फुल फॉर्म याद रहता है तो थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाती है, बस कहने का इतना मतलब है। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, स्किल एक्विजिशन। स्किल एक्विजिशन यानी यहाँ पे बात स्किल्स रिलेटेड हो रही है, ठीक है, स्किल को इम्प्रूव करना है, वो बताएंगे इसका काम क्या है। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, क्लियर है। अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो काम है ये स्किल डेवलपमेंट को से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तो एक अलग से मंत्रालय है ना, तो वो काम कर लेगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जैसे बोलते हैं MSDE, तो ये काम करेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय क्या करेगा, तो ये तो गलत हो गया, पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके तहत जौनपुर और महाराजगंज में श्रमिकों के लिए विशेष पूर्व अधिगम की मान्यता। विशेष पूर्व अधिगम क्या है, यहाँ स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये चीज़ हम लोग अभी देख ले रहे हैं। पहले यहाँ पर देखिए, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना है यहाँ पर, मानी स्किल का जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड क्या कराना चाह रही है, स्किल ट्रेनिंग। और स्किल ट्रेनिंग किसको देगी, जिसके पास स्किल होगी नहीं, यानी श्रमिक को, ठीक है, श्रमिक को। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कोई ना कोई किसी ना किसी काम को पसंद करता है, किसी को खेती करना अच्छा लगता है, किसी को बागवानी करना अच्छा, कुछ लोग कारपेंटर हैं, खटिया चारपाई बनाते हैं, कुछ लोग पेड़ की पत्तियों से थालियां बनाते हैं, मतलब तमाम तरह के लोग मिल जाएंगे गांव में। अगर इन लोगों में स्किल डेवलपमेंट करा दिया जाए तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या काम करता है गाँव में, और इतने सारे गाँव हैं इंडिया में, तो 6.5 लाख गाँव हैं। तो इसी पहचान की समस्या को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम है, स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी RPL का जो मतलब है वो मैंने अभी बताया। और इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा, बस उन लोगों का छोटा सा एग्ज़ाम होगा गांव-गांव स्तर पर, अब जहां भी होगा, या शहर में होगा या गांव में होगा, उन लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें बड़े बड़े आसान से क्वेश्चन होंगे, वो उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको चेक किया जाएगा, तो उससे उनका नॉलेज पता चल जाएगा, ठीक है। तब हमें समझ में आ जाएगा कि किसको किस तरह की स्किल देनी है और किस स्तर की देनी है। तो ये कुछ इस तरह की स्कीम है, ठीक है। और ये जौनपुर और महाराजगंज में नहीं हो रहा, ये चंदौली में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, चंदौली और बनारस का, ठीक है, चंदौली बनारस में एग्जीक्यूट होगा। तो फोन नंबर 2 भी गलत है, यानी दोनों इसके गलत हो गए, ठीक। और मिनिस्ट्री MSDE थी। चलिए आगे देखिए, 15 देखिए, भारत की किस राज्य सरकार ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम कर दिया गया। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये UP है, ये स्टेशन बनारस के पास है, ठीक है। यहाँ पर मैं बनारस के पास ये रेलवे स्टेशन है, दांदूपुर रेलवे स्टेशन, उसी का नाम बदल के माँ बराही देवी धाम कर दिया। अब इस जगह पे ये बराही देवी का होगा, वहाँ पे लोग मानने वाले होंगे इनको, तो उन्हीं की डिमांड को देखते हुए कर दिया होगा, तो यूपी है इसका आंसर, ठीक है। चलिए 16 देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य ने विश्व भर में थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना बनाई है। हर ट्राइब की, हर जनजाति की संस्कृति जो है वो अनूठी ही है, ठीक है, बिल्कुल यूनिक रहती है। यूपी गवर्नमेंट ने क्या सोचा है,
यूपी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इन जो थारू जनजाति की जो अनूठी संस्कृति है इसको क्यों ना टूरिज्म से जोड़ दिया जाए। टूरिज्म से, अगर टूरिज्म से जोड़ देंगे तो यहाँ पे लोग आएंगे, घूमेंगे, इनकी संस्कृति को देखेंगे परखेंगे। इससे होगा क्या, इससे इनको थारू जनजाति को मेन स्ट्रीम में लाने में समस्या नहीं होगी, मेन स्ट्रीम में आसानी से लाया जा सकता है, जॉब का क्रिएशन किया जा सकता है, ठीक है, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, उनका उनका रेवेन्यू भी तो होगा ना, पैसा भी उनको मिलेगा। तो ये चीज़ टूरिज्म को कैसे, टूरिस्ट को कैसे पता चलेगा कि भैया कौन जनजाति कहाँ रह रही है। तो इसको सिंपल करना है, इसको जो प्लेस हैं जनजाति वाली जगह हैं उनको मैप से, मैप पे ऐड कर देना है बस। अगर मैप पे शो करेंगी ये जनजाति का ये टूरिस्ट प्लेस है या ये जनजाति इस जगह रहती है, तो टूरिस्ट इसको मैप पे देख के आसानी से वहाँ पर जा सकता है पर्यटन के लिए, ठीक है। तो इस स्कीम का सिंपल सा फंडा है कि मैप पे यहाँ पे ऐड करने का प्रोग्राम कर रही है गवर्नमेंट, इनको जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनको। अब सही है, टूरिज्म मैप जो है, टूरिज्म मैप पे अब जनजाति वाले क्षेत्र भी देखेंगे तो लोग जाएंगे। तो ये यूपी गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थारू जनजाति के बारे में एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, प्रॉपर्टी राइट के बारे में, वहाँ पर जो महिलाएँ हैं महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट ज़बरदस्त हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट बहुत अच्छे हैं, यानी संपत्ति के अधिकार वहाँ पे बहुत सही है, यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है वो हम लोगों की तरह, या फिर बाकी और जो समाज हैं, आप हिंदूज़ को देख लीजिए, हिंदूज़ में प्रॉपर्टी राइट कितना है महिलाओं को, बिल्कुल कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। मुस्लिम्स में देख लीजिए, वहाँ पे भी कोई ख़ास आपको राइट्स नहीं मिलेंगे महिलाओं के, लेकिन यहाँ पे थारू जनजाति में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए 17 देखिए, INS सिंधुवीर, INS समझते हैं, INS यानी इंडियन नेवल शिप। ये देखिए INS सिंधुवीर दिख रही है आपको, ये पनडुब्बी है, ठीक है, पनडुब्बी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। INS जो होते हैं वो पनडुब्बी भी हो सकते हैं और पानी के ऊपर चलने वाले भी हो सकते हैं, जैसे INS अरिहंत है, ठीक है, INS विक्रमादित्य है, ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना जो पानी के ऊपर चलते हैं, वो एवेंजर वाला, आपने एवेंजर मूवी वाला जहाज़ देखा होगा, वो क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और पनडुब्बी तो पानी के अंदर चलती है, तो INS कुछ भी हो सकता है, पनडुब्बी भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकता है जो पानी के ऊपर भी चलता है, ठीक है। तो ये सिंधुपुर जो है वो भी म्यांमार के पास है, यानी म्यांमार को हम लोगों ने दे दिया है, बर्मा को हम लोगों ने दे दिया, इंडिया वालों ने दे दिया है, भेज दिया है, ठीक। अब जल्दी से पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 में पढ़िए। हाल ही में से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया गया भाई, ये बर्मा में शामिल किया गया, म्यांमार में शामिल किया गया, ठीक है, इंडिया ने तो उसे हैंडओवर किया है। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, यह रूस द्वारा भारत को मित्रता के रूप में एक संकेत है। इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया कि हम लोगों ने रूस से लिए और रूस से हमारी दोस्ती है, दोस्ती हो गई है, यानी मित्रता के संकेत मिल गए। तो ऐसा नहीं है, ये इंडिया की INS है और म्यांमार को इन्होंने दी है, तो दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया, ठीक। अगर रूस की जगह भारत लिखा होता और भारत की जगह म्यांमार लिखा होता तो काम बन जाता, तो इसमें दोनों पॉइंट गलत हो गए, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 18 देखिए। US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, एयर क्वालिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की बात की जाएगी। विश्व में कौन से शहर को सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में रैंक दी गई है। देखिए आप लोग करंट तो रिसेंट वाला पढ़ ही रहे होंगे, और ये जो दृष्टि का है ये पुराने करंट हैं, मतलब आपको दिख रहा होगा 2020 के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें हैं, तो ये डेटा अपडेट करते रहना, अगर अपडेशन हो गया हो तो। वैसे 16 टेस्ट जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग 6 महीने का करंट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग अपडेट कर लेंगे अगर कुछ अपडेट आया होगा तो, नहीं तो यही चलेगा, ठीक है। तो दुनिया की सबसे पॉपुलेट सिटी का जो दर्जा मिला था वो लाहौर को मिला था, ठीक है, इसकी रैंक फर्स्ट थी, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो थी वर्ल्ड की। नई दिल्ली को सेकंड रैंक दी थी, किसने, एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो इसका आंसर तो ए है, डी है, डी है, ठीक। अगर इंडिया में पूछे, इंडिया में 4 शहर के नाम लिख दे तब नई दिल्ली मार देना, ठीक है। अगर ये एयर इंडेक्स इंडेक्स है, एयर क्वालिटी का इंडेक्स है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ये लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि आपके हवा में PM 2.5 कितना है, 2.5 PM 2.5, ये सब पढ़े हैं ना हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, ठीक है, SO2 कितनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी है, ये सब चीज़ें, मतलब एयर में जो पॉल्यूटेंट है उनकी मात्रा कितनी है, उस हिसाब से ये दर्जा मिलेगा, दर्जा नेगेटिव दर्जा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 19वां देखिए। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 नहीं, IWIS 2020 के संदर्भ में हम लोग को बताना है। पहले जान लेते हैं ये काम क्या करता है, इसमें हो क्या रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, जल प्रभाव देखेंगे, जल प्रभाव देखेंगे, ठीक है, यानी ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है,
ये रिवर्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यानी इसमें, इस सम्मेलन में जो बात की गई है वो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस वाली बात की गई है। और किस बात की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस? रिवर्स और वाटर बॉडीज़ के मैनेजमेंट से लेके, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज करता है ये सम्मेलन, ऑर्गेनाइज किसने किया है? ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का ही प्रोग्राम है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का नहीं है। जब हम लोगों ने जीएस में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो हमने आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के ज़्यादातर जो काम होते हैं वो सब बताए थे, तो आपको लिंक करने में आसानी हो गई थी कि ये काम अर्थ साइंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के हैं, और ये काम दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, दूसरी मिनिस्ट्री के हैं। बट यहाँ पे अभी उतना समय नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। इसको जो ऑर्गेनाइज किया है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये तो हम लोगों ने देख लिया गलत है। ऑर्गेनाइज तो एनएमसीजी कर रहा है, ठीक है। एनएमसीजी जो है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, वो एग्जीक्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूट करती है प्लान को, ठीक है। और ये किसके अंडर में काम करती है? ये नेशनल गंगा काउंसिल के अंडर में काम करती है, नेशनल गंगा काउंसिल, राष्ट्रीय गंगा परिषद जो है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, IWIS 2020, नहीं यानी इसी की बात कर रहा, का उद्देश्य नदियों और जल निकाय जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और होलिस्टिक मैनेजमेंट को लेके। ये तो बिल्कुल सही है, यही तो काम होना है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह शिखर सम्मेलन का तीसरा एडिशन है, तीसरा एडिशन नहीं है, ये फिफ्थ एडिशन है, ठीक है, फिफ्थ एडिशन है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथे पॉइंट में थीम बताना है, ठीक है। थीम क्या है? अर्ध गंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन। इतना बड़ा थीम है, इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही लिख दिया, ठीक है। यही पूरा ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, ठीक। तो इसमें वही बात लिखी है जो तीसरे पॉइंट में लिखी है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है, बस एडिशन की वजह से देखो गलत, ठीक है। तो 1, 2, 4 आंसर हो गया, 1, 2, हाँ सॉरी, पहला तो गलत है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय थोड़ी ना है। तो दूसरा और चौथा ही तो सही है, यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन है? रणजीत सिंह दिसाले। इनको देखिए थोड़ा सा इमेज पे, ये हैं रणजीत सिंह दिसाले, ठीक है। ये महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के, पहली चीज़। दूसरा, ये आपको दिख रहा होगा टीचर किस तरह के टीचर हैं, कौन से प्राइमरी लेवल में या सेकेंडरी में, आप बच्चों को ये से समझ सकते हैं कि ये प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं, कितना अचीवमेंट वाली बात है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, दिसाले साहब के पीछे जो जितने भी बच्चे दिख रहे हैं वो सारी की सारी लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ दिख रही हैं ना, इसमें बॉयज़ नहीं हैं, गर्ल्स हैं सारी। यानी इन्होंने कुछ कुछ काम ऐसा बड़ा किया है जो गर्ल्स से रिलेटेड है। इन्होंने एक काम किया वो आप लोग जान लीजिए, पहला तो मोटा मोटा आप जान रहे हैं कि इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया, लेकिन इन्होंने ऐसा काम क्या किया जिस वजह से इनको इतना बड़ा प्राइज मिल गया? एजुकेशन तो सब दे ही रहे हैं। इन्होंने एक QR कोड बनाया है, QR कोड टेक्स्ट बुक आप गूगल पर देखना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, अभी उतना समय नहीं है, ठीक है। इन किताबों ने ना पूरा रेवोल्यूशन ला दिया इंडिया में, इन किताबों का QR कोड टेक्स्ट बुक जो है इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि इनके इंटरवेंशन से किसी भी टीनेज की मैरिज नहीं हुई है उस गांव में और आसपास के गांव में, ठीक है। और 100% अटेंडेंस भी है, 100% अटेंडेंस है प्राइमरी स्कूल में, बहुत बड़ी बात है। अब हम लोगों को अंदाज़ा लग रहा है कि ये बहुत बड़े स्तर का काम है, ठीक है। तो इनको ये प्राइज़ मिला है, ठीक, 7.4 करोड़ इसका प्राइस है इस अवार्ड का, ठीक है, यानी $1 मिलियन। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये फर्स्ट इंडियन है, ये पहले इंडियन है इस अवार्ड को जीतने वाले, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनका याद रखना, रंजीत सिंह दिसाले, महाराष्ट्र। चलिए वापस क्वेश्चन बचा, ठीक आगे बढ़ें, आंसर ये हो गया। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 22,000 रन पूरे करने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? जस्ट फैक्ट है, बस याद कर लीजिए, ये विराट कोहली साहब हैं, ठीक है, विराट कोहली साहब हैं। 22वां देखिए, ये पुस्तक को उनके राइटर से, ऑथर से मैच कराना है। सीधा हम लोग इमेज पे जाते हैं, वैसे हम लोग इनको कर चुके हैं, जीएस में कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए, रिवाइज ही तो कर रहे हैं हम लोग। ओ मिजोरम एक किताब है ऑप्शंस में, ठीक है, ओ मिजोरम, ये किसने लिखी है? डॉक्टर PS श्रीधरन पिल्लई। इनका नाम याद आ रहा, इनका नाम याद रखना, पिल्लई साहब का,
दूसरी किताब है धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। ये किसने लिखी है? अमीश एंड भावना रॉय, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। और तीसरी किताब है अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी, यहाँ से किताब का नाम पूरा, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये किसने लिखी है? ये सेवा थानू पिल्लई, ठीक है, सेवा थानू पिल्लई। भविष्य ने क्वेश्चन पे ये पॉइंट पढ़िए, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी अभी हम लोगों ने देखा, और ये सेवा थानू पिल्लई थे, यानी ये सही मैच है, ठीक। दूसरा पढ़िए धर्मा, डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, ये अमीश त्रिपाठी हैं, ठीक है, अमीश त्रिपाठी, ये भी सही है। चौथा पॉइंट है ओ मिजोरम, ये भी हम लोगों ने देखा, और इसके जो ऑथर थे वो पी एस श्रीधरन पिल्लई, ये भी सही मैच है। तो फिर यही गलत हो गया, सी, सूत्र वेद नाची सूत्र, कितना कठिन नाम है, एक एक यहाँ पे देखो गलत लग रहा है, एक अनुभव होना चाहिए, है ना। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, मुझे तो नहीं पता, हो सकता है संस्कृत का कुछ शब्द लिखा हो। तो ये जो किताब लिखी है वो सुनील गांगुली साहब ने नहीं लिखी है, ये रूपा चारू जी ने लिखी है, रूपा चारी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत मैच करना था तो गलत सी मैच करा दी हम लोगों ने। चलिए 23 देखिए, भारत सरकार और एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कहाँ है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर संघाई, हेडक्वार्टर संघाई चीन। क्वेश्चन पढ़िए, भारत सरकार और एनडीबी ने कोविड-19 के कारण बड़ी भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुझे लगता है पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आंसर तो जाने दीजिए। 1000 मिलियन यानी 100 करोड़, 100 करोड़ डॉलर की हेल्प की एनडीबी ने, ठीक, आंसर डी हो गया। चलिए 44 देखिए, 24 सॉरी, ये व्यक्ति हैं और उनका प्रोफेशन या फील्ड बताना है, ये क्वेश्चन जानते हैं आप लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, और हाल ही में ये लोग न्यूज़ में रहे होंगे, किसी की कोई एक्सपायर किया होगा तो किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होगा। पहला पॉइंट पढ़िए, वालेरी गिसगार्ड डी एस्टिंग, ये जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? फ्रांस के, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, इनका हाल ही में निधन हुआ था इसलिए ये न्यूज़ में थे। अब वाइस प्रेसिडेंट बोला तो ऑब्वियसली ये किस पे हो जाएगा टिक, राजनेता हुए ना ये, पॉलिटिशियन। दिनेश्वर शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, और पुराने यानी ये पूर्व आईबी समझते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के चीफ भी थे, और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो ये आईबी की चीफ हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुए, ये नौकरशाह हो गए। श्रीपति खान चालान, ये रेसलर हैं, ठीक है, रेसलर, रेसलर समझ रहे हैं, कुश्ती करने वाले रेसलर हैं, पहलवान हैं, ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। और शमसुर रहमान फारूकी साहब जो हैं वो एक पोएट हैं, कवि हैं। तो हम लोगों ने कोडिंग क्या बनाई, 3-2, 3-2, 4-1, ठीक है, 3241 कोड हो गया, 3241 डी ऑप्शन हो गया, ठीक, आगे बढ़ें। चलिए 25 देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में आपको पता है इसकी हाइट ग्रेजुअली बढ़ रही है ना, वो बढ़ती है, इतने जल्दी नहीं बढ़ती है, हज़ारों साल लग जाते हैं, अभी जो डेटा जो है हम लोग जो पढ़ते हैं 8848, तो ये तो पुराना डेटा हो गया, अब हो गया 8000, 2 मीटर और बढ़ी थी ना शायद, ये सॉरी 2 मीटर बोल रहा हूँ, 2 मीटर बढ़ जाएगा तब तो तबाही मच जाएगी, मतलब ये सेंटीमीटर कितना, 886 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ी है, तो अब टोटल हाइट कितनी लिखोगे, 4000, 8848, 8848.86 मीटर, ठीक है, अब ये आपको ऑप्शन में मिलेगा तो ये इस पर टिक लगाना, ठीक। पहला पॉइंट पढ़िए, ये पॉइंट पढ़िए, हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई 84 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, 84 तो नहीं पढ़े हम लोग, 86 पढ़े हैं, है ना, 86 सेंटीमीटर, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, यह ऑब्जर्वेशन सर्वेक्षण सर्वे नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेपाल में क्या बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को, सागर माथा ना, सागर माथा, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये सर्वे जो था वो चीन नेपाल का था, ठीक। तीसरा पॉइंट पढ़िए, तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट चोमोलंगवा के नाम से, जबकि अच्छा यहाँ लिखा तो है नीचे, जबकि नेपाली भाषा में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत तो हम लोगों ने निकाल ही लिया ना, तो बाकी तीन ऑब्वियसली सही होंगे, वो तो हम लोग बस पढ़ रहे हैं जानकारी के लिए। वर्ष 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है।
है, ठीक है, यही हम लोग हमेशा किताबों में पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो गलत गलत हो गया पॉइंट ए, ठीक है, गलत ए हो गया। चलिए 26 देखिए, निम्नलिखित में से मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 में विजेताओं में शामिल नहीं है। ये जो अवार्ड है, ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, ये देने वाली, यानी ये कौन सी संस्था इसको देती है, ये इंटरनेशनल एक एनजीओ है, ठीक है, हारमनी इंटरनेशनल, सॉरी हारमनी फाउंडेशन, हारमनी फाउंडेशन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हारमनी फाउंडेशन। तो देखो ये तो बहुत लोगों को मिला है, तो सारे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे जो जो इंडिया से रिलेटेड है उनके नाम जानना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शंस में देगा तो वही देगा। संजय पांडे, संजय पांडे आपको दिख रहा है, संजय पांडे ये आईपीएस हैं, और नाम से पता है इंडिया के हैं, ठीक है, तो इनको भी मिला है, ये विजेताओं में शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एंथोनी फोसी, ये इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं है, ठीक है, ये यूएसए के हैं, इनको भी मिला है। के सैलजा, ये देखो इंडियन है तो हम लोगों को इनका नाम जानना है, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं केरल के, केरला के, ठीक है, तो ये भी विजेताओं की सूची में शामिल हैं। डगलस स्टुअर्ट, इनका तो नाम आप जानते हैं ना, ये तो क्या ऑथर है ना इनका, उन्होंने इनकी तो बुकर प्राइज़ भी जीती है इनकी किताब, ठीक है, डगलस स्टुअर्ट की, कौन सी किताब बताएंगे, सगी वैन करके है ना, ठीक है, तो शामिल कौन नहीं है, डगलस स्टुअर्ट, ठीक। चलो 27 में देखिए, हाल ही में रीसा शब्द समाचारों में व्यापक रूप से सुना गया। रीसा, रीसा शब्द जो है एक पारंपरिक पोशाक है, ठीक है, ट्रेडिशनल अटायर है, कहाँ की है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा की, ठीक है, त्रिपुरा, ये याद रखना, इसको इमेज में देखिए जल्दी से, ये रिसा है, ठीक है, रिसा, रिसा ट्रेडिशनल अटायर, देखो ये पहने, ये आपको ओकेजन में पहने हुए दिखाई दे रही हैं, यानी ये बॉटम और ये अपर और बॉटम दोनों जगह पहना जा सकता है, ठीक है, फीमेल भी यूज करती हैं और मेल भी पहनते हैं, तो त्रिपुरा याद रखना, रिसा त्रिपुरा। चलिए 28 में देखिए, इसमें अनमैच बताना है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, बिल्कुल सही है। ब्रेल दिवस जो है वो 2 जनवरी को नहीं मनाते हैं, 4 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, 4 जनवरी को याद रखना। भारतीय जल सेना दिवस 15 जनवरी, तो गलत है यहाँ पे, कौन सा है, बी ऑप्शन है, थोड़ा हम लोग फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब 29 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 22 जनवरी 2021 को श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। श्रम शक्ति जो पोर्टल है वो सॉरी जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें करना, इसमें होना क्या है, इसमें इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल कराए जाएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल किनको, जनजातियों को, और चूँकि ये पोर्टल है तो इस पोर्टल पर सारा डिटेल रहेगा, ठीक है, जैसे किसी भी क्षेत्र की डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है, लाइवलीहुड ऑप्शंस, स्किल मैपिंग वगैरह, माइग्रेशन पैटर्न, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देखिए, 30 क्वेश्चन देखिए, कायाकल्प पुरस्कार किस संदर्भ में, हम लोगों को बताना है ये कायाकल्प पुरस्कार दिया किस फील्ड में जाता है, किस लिए दिया जाता है। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने हाइजीन सैनिटेशन और क्लीनिनेस पढ़ा था, है ना, स्वच्छता से संबंधित है ये पुरस्कार बेसिकली, ये किस लिए दिया जा रहा है, ये अवार्ड हाइजीन सैनिटेशन और क्लीनिनेस के लिए, और कोई भी इंस्टीट्यूट इन तीन फैक्टर पर अच्छे से काम करती है तो वो अवार्ड ही हो जाएगा, ठीक है, यानी ये सब फैक्टर जो है हाइजीन सैनिटेशन क्लीनिनेस, ये हाई लेवल ऑफ होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ डिग्री होना चाहिए, और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, याद रखना। तो पहला पॉइंट क्या है, यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, एम्स भोपाल ने सैनिटेशन में 20 श्रेणी के सर्विसेस केंद्रीय सरकारी अस्पताल होने के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता, तो देखो एम्स ने तो जीता है लेकिन भोपाल वाले ने नहीं, ये भुवनेश्वर वाले ने जीता है, ठीक है, भुवनेश्वर वाले ने, ये याद रखना, ये सेपरेटली याद रखना, ऐसे पूछ लेगा कि कौन से एम्स में, कौन से एम्स ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है, तो चार ऑप्शन दे देगा, एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली, फलाना फलाना करके, तो ऐसे अलग से भी याद रखना इसको, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो गया, यानी केवल 1 सही है इसमें, ठीक। चलिए 31 देखिए, इसको मैचिंग करा दीजिए जल्दी से। माइकल किंडो, माइकल किंडो क्या है, प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, हॉकी प्लेयर, तो यहाँ पे कौन सा मैच हो जाएगा, हॉकी खिलाड़ी, यानी एक अटू हो जाएगा, ठीक है, एक अटू, ऑप्शन में एक अटू एक ही है, तो आंसर तो हम लोगों को मिल गया। नरेंद्र चंचल, ये पंजाब के हैं, ठीक है, पंजाब के भजन गायक गाते हैं, भजन जो सॉन्ग्स होते हैं वो गाते हैं, यानी ये गायक हो गए, ठीक है। और गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ, ठीक है, तो सी का वन हो गया। और नरेंद्र कुमार फिर एक ही बचा, ये पर्वतारोही है, माउंटेनियर, ठीक है, तो कोड क्या बना, 2413, ठीक है, थोड़ा पॉज करके देख लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 देखिए, लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है,
ए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख तो अब सेपरेट यूटी है, यूनियन टेरिटरी बन गई है, और ये हेडेड की जाएगी, अध्यक्षता इनके द्वारा की जाएगी, के किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी ये मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ होम है, यानी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर होम है वो, ठीक है, तो याद रखना। चलिए 33 देखिए, 5 जनवरी 2021 को पीएम द्वारा उद्घाटित कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? देखो लेंथ वगैरह यूपी पूछ लेता है, यूपी पीसीएस पूछ लेता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी लेंथ 450 किलोमीटर है, याद रखना 450 किलोमीटर। और ये जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है किसके लिए, ये किसके पे आप पे काम कर रहा है, वन नेशन वन गैस ग्रिड जो है ना, वन नेशन वन गैस ग्रिड, उसके तहत ये प्लान है पाइपलाइन बनाने का। और गैस पाइपलाइन का ये काम कौन करता है, कौन सी पीएसयू करती है बताएंगे, गेल करता है, ठीक है, गेल महारत्न कंपनी भी है, गेल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। टोटल महारत्न कंपनी कितनी है जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं अभी एग्जैक्ट भूल गया हूँ तो मुझे मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए 34 देखिए, हाल ही में भारत के कुछ राज्यों से एवियन फ्लू के मामले सामने आए थे, एवियन इन्फ्लुएंजा का कौन सा उप प्रकार है, सब टाइप पूछा है। एवियन जो है ना रूट बर्ड है, किसका, वर्ड्स का, ठीक है, वर्ड्स का, इसको वर्ड फ्लू भी बोलते हैं, वर्ड फ्लू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H5N8, याद रखना H5N8, इससे संबंधित एक इंस्टीट्यूट है वो आपको जानना है, निषाद NAS, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के द्वारा लिख दे रहा हूँ, मैं एक लेटर गलत लिख दिया था, NISSSAD, निषाद, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज़, जो भोपाल में है, ये अक्सर पूछता रहता है, सेपरेटली पूछता रहता है, भोपाल में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज़ का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में है, ठीक है, शॉर्ट में उसे निषाद बोलते हैं। तो आंसर डी निकल के आ गया। चलिए 35 देखिए, कोविन के बारे में आप लोगों को पता होगा, वैक्सीन लगवाई होगी, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको ऐप पे, कौन से ऐप पे, इसका एक पोर्टल जो है ना वो आरोग्य सेतु पे भी था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आरोग्य सेतु के बारे में जानते होंगे, इस ऐप पे भी कोविन का एक लिंक था, यहाँ से भी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। और एक सेपरेट ऐप भी है कोविन के नाम से, एक सेपरेट ऐप भी है, ठीक है, चाहो तो वहाँ से जाके कर सकते हो। ऐसे अब तक तो पहला डोज तो लगवा ही लिए होंगे ना सब लोग, तो पहला पॉइंट पढ़िए, यह ऐप कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एग्जीक्यूशन के लिए सुनिश्चित करता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, टीकाकरण के लिए तो है, वैक्सीनेशन के लिए तो है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, द ऐप इज ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भाई हेल्थ रिलेटेड है ना ये, तो हेल्थ वाली मिनिस्ट्री क्या करेंगी अगर ये सब कर लेगी, तो यहाँ पर वही मिनिस्ट्री है जो अभी हम लोग पढ़े हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इसके अंडर में ये काम कर रहा है, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो मैनेज करता है सबको, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, यानी केवल एक सही है, ठीक, आगे बढ़ें। चलिए 36 देखिए, वेनेडियम इंपॉर्टेंट है, वेनेडियम जीएसआई समझते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट की खोज की है, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ वेनेडियम, इसकी खोज की है, और ये इस तरह की पहली रिपोर्ट है, ठीक है, वेनेडियम के जहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट मिले हैं, और ये कहाँ पे मिले हैं, अरुणाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश, सेपरेटली याद रखें इसको, अरुणाचल प्रदेश। तो पहला पॉइंट पढ़िए, हाल ही में भारतीय जीएसआई ने मणिपुर में वेनेडियम की उपस्थिति की पुष्टि की है, मणिपुर में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, पहला पॉइंट गलत हो गया। और वेनेडियम कोई सस्ती धातु नहीं है, ठीक है, ये हाई वैल्यूड मेटल, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मिक्स करते हैं, किसको स्ट्रेंथन करने के लिए, स्टील को, ठीक है, स्टील को। और टाइटेनियम तो वैसे भी अपने आप में मजबूत होता है, लेकिन फिर भी और मजबूती के लिए इस मेटल को मिलाते हैं, ठीक है, वेनेडियम को। स्टील की स्ट्रेंथ मजबूती को बढ़ाने के लिए हम लोग क्रोमियम भी मिलाते हैं, ठीक है, तो क्रोमियम भी याद रखना, और वेनेडियम तो बहुत ही शक्तिशाली। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़िए, वेनेडियम स्टील इस्पात को स्टील बोलते हैं, ठीक है, इस्पात और टाइटेनियम को मजबूती प्रदान करने में उपयोगी है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी केवल दो सही है, ठीक। और इन सबको मिलाने का और पर्पज क्या है, मजबूती के साथ, एक ये कोरोसिव रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जंग नहीं लगती है। चलिए 37 देखिए, हाल ही में नेंद्रन केलर चर्चा में था, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के निम्नलिखित राज्यों और यूटी में से किसे इसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, पहले तो ये जान लें है क्या नेंद्रन केला है क्या, तो जो लिखा है वही है, ठीक है, ये बनाना अगर एक प्रकार है, ये बनाना है बस, फेमस इसलिए है क्योंकि इससे क्या कर रहे हैं, नेंद्रन केला से इस केले को रवि में चेंज कर दे रहे हैं, रवि समझते ना, ग्रिट छोटे छोटे से दाने, उस दानों में चेंज कर देते हैं केले को, और हवा मतलब जान रहे हैं, ये फिर ड्राई हो जाता है ना,
और ड्राई हो जाता है तो फिर आराम से इसकी पैकेटिंग करके मार्केटिंग की जा सकती है। और ये जो रवा बना रहे हैं नेंद्रन केला से, ये हेल्थ इशूज़ के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जो है ये जीआई टैग मिला है, ये किस स्टेट का है? ये केरल का है। ठीक है, केरल का। चलिए 38 देखिए, भारत में निम्नलिखित देशों में से किसके साथ निर्दिष्ट कुशल कामगार SSW पढ़िए, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर सिस्टम प्रणाली के संचालन की एक सहभागिता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ जो कॉपरेशन होते हैं, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले ये है क्या, ये SSW है क्या? देखो जैसे नाम से पता चल रहा है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, देखो जो स्किल्ड वर्कर हैं वहाँ पर जापान में किया गया, ठीक है, जापान ने ये सिस्टम को लॉन्च किया है, जापान करके आ रहा है, वहाँ के जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको एक नया स्टेटस दे रहे हैं। ठीक है, न्यू स्टेटस ऑफ रेजिडेंस, याद रखना न्यू स्टेटस ऑफ रेजिडेंस, जिनके पास कुछ भी कोई किसी भी प्रकार की एक्सपर्टाइज स्किल है तो। और ये वहीं के सिर्फ रेजिडेंस के लिए नहीं है, जापान के रेजिडेंस के लिए नहीं, अगर बाहर का कोई स्किल वहाँ पर काम कर रहा है, स्किल वर्कर काम कर रहा है, तो उसे भी ये दर्जा प्राप्त किया जाए, उसे भी ये दर्जा मिलेगा। ठीक है, जो न्यू स्टेटस है उसे भी मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं फॉरेन नेशनल लिख दूँ, ठीक है, फॉरेन नेशनल को भी है और वहाँ के जो नेटिव हैं वो तो हैं ही, और फॉरेन नेशनल्स के लिए भी ये सुविधा है। और ये किसके द्वारा है? जापान के द्वारा। ठीक है, मतलब एक तरह से नई तरीके से रिकग्नाइज़ किया है इन्होंने स्किल्ड वर्कर को, लेकिन ये स्टेटस तभी मिलेगा जब वहाँ का एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट में जो पास हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम भी कराएंगे SSW के लिए, जो एग्ज़ाम पास करेगा उसको SSW का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जापान, इसका आंसर जापान हो गया। 39 देखिए, कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO प्रकाशित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कौन रिलीज करता है? IMF। ठीक है, ये IMF की रिपोर्ट है। और इसमें और क्या हम लोग को जानना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो ईयरली यानी एनुअली दो बार निकलता है। ठीक है, एनुअली दो बार, यानी मैं लिखता हूँ टू प्रिंट लिख दे रहा हूँ, टू प्रिंट पर ईयर। ठीक है, टू प्रिंट पर ईयर, दो बार छपती है। तो आंसर ये हो गया। ठीक है, आंसर ये हो गया, आगे बढ़ें। चलिए 40 देखिए, ये 2021 को डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट हुआ था, महाभियोग का सामना इनको करना पड़ा। इस तरह वह अमेरिकी इतिहास में दो बार इम्पीचमेंट का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो दूसरी बार तो इनको 2021 में, ये तो क्वेश्चन में बता ही रहा, और इन्होंने पहली बार पूछा है कि पहली बार इनको कब महाभियोग का सामना करना पड़ा था। ठीक, तो पहला इन्होंने 2019 में फेस किया था। ठीक ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर ना 41 से 80 में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।